तो डीजल कार्स मार्केट से निकल जाएंगी एंड पीपल विल गो इन फॉर अ चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट विल बी द इलेक्ट्रिक कार्स. तो वो उनका जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव है, इनिशियल ऑब्जेक्टिव इज दिस कि दे वांट टू फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड दे वांट कि डीजल के ऊपर से सब्सिडीज हट जाएं. दे हैव गॉट अ ह्यूज बजट फॉर दिस राइट, एंड ह्यूज बजट का इन द सेंस है कि उन्होंने लाइजनिंग की, ब्रोकरेज की और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो बजट रखा है वो टोटल 60 से 70 करोड़ का रखा है एंड दिस मनी विल बी रूटेड टू इंडिया थ्रू आर सिंगापुर कंपनी. तो बेसिकली अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम डीजल के ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इमीडिएटली फाइल करना चाहते हैं. सेकेंडली लैंड देखना चाहते हैं जिसमें आप सब्सिडीज का अरेंजमेंट और बाकी सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करा, दैट इज़ अ मेन ऑब्जेक्टिव. वैसे तो क्योंकि ये नेशनल लेवल पर है, एक हाईकोर्ट के एक स्टेट से तो सब्सिडी हटेगी नहीं, पूरे नेशन से ही हटेगी. इसलिए इसको कायदे से PIL डालना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में. हाँ एक सही है, वो भी आइडिया है. एक स्टेट का मटर है नहीं, दूसरे का मटर तो आपको क्या लगता है लाइक अगर हम ये PIL डालते हैं इनिशियली तो व्हाट वुड बी द एक्सपेंसेस दैट वी आर गोइंग टू इनकर. अच्छा ओके, मैम नथिंग, लेट मी जस्ट आस्क फॉर इट. मैम आप चलेंगे सॉफ्ट ड्रिंक, जूस वुड बी ओके, गेट मी वन जूस. विद जूस वुड लाइक वन पॉइंट. मैम व्हाट वुड यू लाइक, लाइम लाइम कॉर्डियल मंगा दो, सॉरी लेमन जूस, स्वीट लाइम जूस. गेट मी टू फ्रेश स्वीट लाइम जूस एंड वन पाइनएप्पल जूस. नो दैट इज फाइन, आई थिंक दैट वुड बी एनफ. करंटली पोस्टेड इन छत्तीसगढ़. ओके ओके ओके. तो सर छत्तीसगढ़ में भी आप मेरे ख्याल से लैंड प्रोक्योर कराने में हेल्प काफी कर सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं है इसमें, छत्तीसगढ़ में ना उत्तराखंड, यहाँ गुजरात में. अच्छा नहीं, गुजरात तो वैसे भी वो थर्ड ऑप्शन ही मान के चल रहे हैं. छत्तीसगढ़ उत्तराखंड सब्सिडीज वगैरह में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा अच्छा अच्छा. सर कैन आई हैव योर कार्ड प्लीज. कार्ड रखते ही नहीं लोग. अच्छा नहीं नहीं नहीं, लोगों का कार्ड होता है ना, लोगों का कार्ड होता है. लोगों को कहीं कार्ड भिजवा के जाना हो कि भाई मैं आया हूँ, तब तो कार्ड की जरूरत पड़ती है. यहाँ से जहाँ कहीं जाना होता है पहले से ही प्रोग्राम तो रहता है. बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है. बिल्कुल नहीं, लोगों का आई कार्ड होता है ना, कार्ड नहीं. कहीं कोई चल चल कर तो आई कार्ड मांग रहा था. कहाँ मांग रहा था वो? तो वहाँ पे उसके लिए आपके जिम कॉर्बेट जाने के लिए. जिम कॉर्बेट तो फिर वो कोर्ट के बंदे निकला, मैं तो हूँ आई कार्ड से. वहाँ तो उन्होंने ऑफिस से जिम कॉर्बेट ना जानता नहीं था ना. अच्छा अच्छा. वो टैक्सी क्या, वो जो उनकी गाड़ी होती है ना, जो कैंटर ले जाते हैं वहाँ पर, कैंटर. हाँ हाँ, जिप्सी जिप्सी जिप्सी. हाँ वो कहने लगा कि वो फॉर्म को भरवा के आई कार्ड, तो फिर वो कोर्ट का ड्यूटी पे सर कहेंगे हम आई कार्ड है, गवर्नर साहब से आप आई कार्ड जो डांस देंगे तो
ऐसी बात तुम बेवकूफी की मत करो, तो ऐसे उसको कह दिया, फिर उधर अच्छा बता दूंगा जान ही पता था। जैसे मोबाइल वोबाइल वाले ना कहते एड्रेस वेरिफिकेशन दे, हम अपना एड्रेस कहाँ से वेरीफाई करें, गवर्नमेंट कोठी है, गवर्नमेंट बैंगलोर है, हम गए हम रहने लगे, तो कहाँ से आपको जो है एड्रेस वेरिफिकेशन दे, ना बिल हमारे नाम से आता है, सब गवर्नमेंट के हाईकोर्ट के नाम से आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी वहाँ पे खर्चा होता है बिजली का उसका हर चीज का, तो सर गवर्नमेंट प्रोवाइडेड अकोमोडेशन ही होगी आपकी। अच्छा रायपुर में कहाँ पर है सर ये? बिलासपुर। अच्छा बिलासपुर, बिलासपुर इज नियर रायपुर। 125। अच्छा अच्छा रायपुर बिलासपुर कनेक्टिंग। बट सर हाई कोर्ट तो रायपुर में ही होगी ना? नहीं हाई कोर्ट बिलासपुर। अच्छा हाई कोर्ट बिलासपुर में है। क्या हुआ था, जो अजीत जोगी थे उनका विधानसभा एरिया था, लोकसभा विधानसभा, तो उन्होंने वहाँ से 125 किलोमीटर दूर पर हाई कोर्ट यहाँ बना दी, राजधानी रायपुर है। अच्छा उत्तरांचल है, देहरादून राजधानी है, नैनीताल हाईकोर्ट है, ऐसे कि ताकि एक शहर से दूसरा शहर में डेवलप हो जाता है ना हाईकोर्ट होने से। ज्यादातर ऐसी जगह जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल राजधानी है और जबलपुर, ऐसे ही आपका राजस्थान में जयपुर राजधानी है और जोधपुर हाईकोर्ट है। अच्छा यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट है। अच्छा लखनऊ राजधानी है। अच्छा अच्छा, और अगर हिमाचल में भी आपको बद्दी में इंडस्ट्री है वहाँ पर भी इंडस्ट्री कुछ। मैम देखो बेसिकली जो हमारे सुनने में आया था सर, एक्चुअली यू नो वी आर न्यू टू दिस लाइजनिंग एंड ऑल, वी हैव नॉट डन इट बिफोर। हमारा जो मेजर काम है दैट इज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हम बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कराते हैं वेरियस ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस की शेयर मार्केट्स में एंड यू नो म्यूचुअल फंड्स में, अलग अलग एवेन्यूज में, रियल एस्टेट में। ये हमारे क्लाइंट के थ्रू ही हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया है विच वी हैव टू अरेंज फॉर देम। हमारे को इंडियन लाइजनिंग पूरी हमें करके देनी है उनको, लैंड प्रोक्योरमेंट से लेके परमिशन से लेके सब्सिडीज से लेके ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करने तक की सारे के सारे अरेंजमेंट हमें करने हैं। तो दैट इज द थिंग। लकीली छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड दोनों में प्रॉब्लम नहीं होगी। बस परफेक्ट सर, ये तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप बोले तो मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको दिखाऊं उसकी। नहीं इसका तो इसका मतलब नहीं है। अच्छा करना तो मुझे ही नहीं, कॉन्टैक्ट तो मुझे करना है। अच्छा 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 अच्छा, करता तो ये क्योंकि हम पैर भी नहीं कर सकते इतना, ये तो मिला देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। क्योंकि वहाँ का तो क्या है ना, वहाँ का सीएम का नजर इनका जूनियर है। अच्छा डिसीजन। अच्छा जिला जज जो है उसको भी मिला देंगे, वो सारा काम कर। अच्छा ओके, उनका क्या नाम है मैम? तो सर कितना लग रहा है आपको कि मतलब कितना हो सकता है इफ वी स्पेंड मनी ऑन दिस? अच्छा सॉरी, मतलब मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि आपको कितने परसेंटेज चांसेस आपको लगते हैं कि दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड? ये जमीन वगैरह तो ट्रांसफर का और उसका चेंज नेचर चेंज तो रोज ही होता है, उसमें तो बातचीत करके वो सब हो ही जाता है। तो ये तो कोई नई चीज नहीं है, लेन देन नहीं है, तो मेरी बात कर रहे हैं वो तो सब जरूरी है, सब हो ही जाता है। बाकी और PIL है, और PIL भी जानती है अपने लेवल पर अच्छी तरह से, जो भी सुप्रीम कोर्ट में होना है। ठीक है तो मैम आप ये सारा अरेंजमेंट हमारे लिए करा देंगे? ये कितना फास्ट करा सकते हैं हमारे लिए? When can we pursue ये it? तो भी जुलाई में छुट्टियाँ पड़ गई। हाँ कितनी ज्यादा छुट्टियाँ? 6-7 जुलाई। 6-7 जुलाई संडे जो आ रहा है 6-7 जुलाई में उस तक है छुट्टी। 7 जुलाई देखिए जुलाई के बाद मतलब अगस्त में होगा छुट्टियाँ? होगी जुलाई में ही होगा छुट्टी। में अभी वैसे है तो बेंच बैठी होगी खाली, विधानसभा की बेंच बैठी होगी अलग अलग हमारे पास से ज्ञान सुधार नहीं चौहान सौ बैठती है वो तो गर्मी की छुट्टी का रहने का हमारे पास रखा है, हम आपको दे देंगे अरेंजमेंट। अच्छा नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास रखता है। कौन कौन बैठेगा ना छुट्टियों की बेंच में? क्योंकि अभी तो सब छुट्टियाँ पड़ गई 12 मई से, तो ये कुछ बेंचेस बैठे होंगे। अगर बहुत अर्जेंसी हो तब तो ठीक है, नहीं तो बात लास्ट में हो गए पटना।
आपके पास है ना सर? अभी जो बेंच बदलेगी ना, अगर बहुत जल्दी फास्ट जल्दी है, 10 दिन तो मैं आ रही वापस। सॉरी मैम, 10 दिन तो मैं वापस आ रही ना। अच्छा, तो पहले आप लोग उत्तरांचल की जमीन ठीक है, 4 घंटे का टाइम कितना पास करते हैं हम वहीं मिलेगा। अगर हमें टाइम फिक्स करना था हम पहाड़ों पर होंगे, तो हमारे और लोग भी है ना, प्रोग्राम काफ़ी लोग हैं, सब लोगों का प्रोग्राम बना है, कुछ लोग गुड़गांव से आने वाले सर के साथ। अच्छा, तो इसलिए आप पहले बताएंगे तो हम ठीक से जाना चाहिए, या आप ऐसा करिए 6-7 जून को आते ठीक है, 6-7 जून को आते हैं आपको सर्वे करा देंगे, आपको देखते ही मन हो रहा है। अच्छा, उत्तरांचल की बात कर रहे हैं ना? उत्तरांचल ठीक है, आप बताओ मुझे कब? 6-7 जून, 6 और 7 जून के बीच में। और छत्तीसगढ़ वाली कब देख सकते हैं? ठीक है, तो 6 और 7 जून का उत्तरांचल का प्रोग्राम रख लेते हैं। और 12 या उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ दोनों जमीन दिलाना पास करना, वो सारा जिम्मा मिला ठीक है, कम परफेक्ट। 10 जुलाई का फायदा हमको, हमारे साथ तो अगर कंपनी आती है हमारे तो और फायदा है, अगर हमारे थ्रू आती है हम पास करके देते हैं, हमको एक स्पेयर पार्ट्स का छोटा इंडस्ट्री लगाने के लिए देते हैं, हमें इससे बढ़िया और क्या चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी स्पेयर पार्ट जैसे ये लोग बड़े बनाते हैं, इन्हीं लोगों की छोटी वो भी होती है पार्ट बनाने की, पैकेज भी यूनिट हो गया, ये हो गया, तमाम तरह की यूनिट बनती है। करेक्ट, मेरे तो बेनिफिट है उत्तरांचल में, अगर चलिए हम तो इसलिए लाइजिंग करेंगे कि कोई भी पार्ट बनाने की इंडस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे, छोटे पार्ट बनाने की, जैसे लोग बनाते हैं ना, जैसे जागर जैसे बड़ी मारुति कंपनी हो गई, छोटे छोटे असेंबली, ये तो बड़े असेंबली बना रही है, ऐसे इन लोगों के लिए भी असेंबली बनानी होती है, ये छोटे छोटे पार्टों की जो है वो नहीं करते, अपने यूनिट के अंदर छोटे यूनिट बनाते हैं, समझ गए? समझ गए। तो मैं अगर कोई कंपनी डायरेक्टली मेरे पास आती है तो उसको मैं अपने पर्सनल लेवल पे होगा। तो मैम आज तो व्हाट इज द डेट, 26 तारीख है ना, तो 10 दिन है बस बेसिकली, तो 6 जून को चलते हैं, 6 जून को आप मुझे उत्तरांचल दिखा दीजिए, फिर 12-13 जून को वो देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ देख लेते हैं, ठीक है सर? अभी आइए लोग, मैं हाँ वो सर से बाहर देखो, पैसे से लेने इनका कोई मतलब नहीं, मैं आपको बाहर दिखा दूँगी, हमारे सामने होना भी नहीं चाहिए। हाँ नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट सर, आई अंडरस्टैंड दैट। वो तो पगाड़िया की जमीन दिखा दी सारी, सारी अरेंज कर ली, रेलवे से बोला है मुझे, अपनी जमीन कंपनी है सारी, कौन सी कंपनी पुष्टि होगी, सीमेंट बनाते हो बहुत बढ़िया। अच्छा, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, कोई आदमी आपको 50 एकड़ की इंडस्ट्री जमीन दे देते हैं, करेक्ट, इसीलिए तो हम ढूंढ रहे हैं कि कोई मतलब होती नहीं है ना, क्योंकि जो भी होते हैं या तो गवर्नमेंट के शुरू में जो इंडस्ट्री जब लगती है तो बड़ी कंपनी तो घुस जाती है, अब वहाँ बच जाती है 1 एकड़ की, 5 एकड़ की, 7 एकड़ की, उससे हम लोगों का होना नहीं है, बिल्कुल इंडस्ट्रियल प्लॉट बढ़ जाते हैं, बिल्कुल। फिर उसके लिए क्या होता है कि उसी आसपास जैसे 50 एकड़ आपने लेना है उसको जोन बना देती है, और कितनी बड़ी कंपनी आई, बिल्कुल जर्मन कंपनी, तो गवर्नमेंट का बेनिफिट है एक जर्मन कंपनी, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं? अच्छा ये बताइए, जो आपने उस दिन लैंड दिखाई थी मुझे, जो जहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री थी ना, वो जर्मन कंपनी है ना? लफाज। तो जब जर्मन है जापानीज है फ्रेंच है? ओह फ्रेंच, यूरोप का ब्रांड है, और नहीं नहीं वो जर्मन की है, जर्मनी या जापान की है, फ्रेंच की नहीं है वो, अगर यूरोप की है तो जर्मनी की, हाँ, जर्मन की है, जर्मन की, मुझे अच्छे से याद है ना, क्योंकि जर्मन की थी। हाँ, और एक और कौन इंडस्ट्री थी इंडियन, वो अल्ट्राटेक अच्छा, ओके ठीक है, वहाँ पर अभी इंडस्ट्री जोन में है ना लैंड अपने पास? वो कोई बात नहीं, लैंड की कोई बात नहीं है, मगर इंडस्ट्री जोन है ना वो, इंडस्ट्री जोन ठीक है। अच्छा मैं, हम लोग सस्ते में ले रहे थे पहले, अब महंगी हो गई है। अच्छा, गवर्नमेंट ने मुआवजा वहाँ पर महंगा करता है। अच्छा,
ठीक है ठीक है, मैं भी बात करता हूँ। वहाँ पर रेट क्या होगा मैम? अब तो गवर्नमेंट ने 15-20 लाख 15-20 लाख रुपए कर तो मुआवजा कर दिया गवर्नमेंट ने। अच्छा अच्छा, तो 50 ही नहीं है, 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तो ठीक है विद एक पड़े कर तो ठीक है। बेसिकली सर क्या है उसमें कि सर ऐसा है ना, अगर हम इनसे डील करेंगे ना, देखिए सारा लाइसेंस जो लैंड की कीमत पड़ी उत्तराचल में तो इनको 1 करोड़ से कम की नहीं पड़ेगी कंप्लीट प्रोजेक्ट पास कराने तक। हम आपको इंडस्ट्री करके देंगे, आपको लोकेशन दिखाएंगे, अगर आपने लोकेशन पसंद की 1 करोड़ रुपये एकड़ तो हम आपको जैसे उत्तराचल में 1.25 करोड़ रुपये एकड़ का रेट है। मैम देखो ये तो बड़ा महंगा हो जाएगा एक्चुअली में, नहीं 1.25 करोड़ तो ठीक है। हाँ यहाँ तो गवर्नमेंट की फीस है ना, कन्वर्जन चार्ज ही गवर्नमेंट का हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर 1.25 करोड़ एकड़ चार्ज है। हाँ वो तो ठीक है, अरे 1.25 करोड़ रुपए एकड़ चार्ज है। हाँ ये तो गवर्नमेंट का है, महंगी भी तो लैंड है ना, 8 करोड़ रुपए एकड़ में तो लैंड है, वो जमीन मिल जाती है आपको 3 करोड़ रुपए में, तो गवर्नमेंट 1.25 करोड़ 1.25-4 करोड़ रुपए लेते क्या बुरा करती है 1.25 करोड़। उत्तरांचल में तो क्या है, जैसे आपको जमीन आपने पसंद की 1 करोड़ रुपए एकड़, अब आपने उमेश के बाजू वाली पसंद कर दी, वहाँ पर कीमत ही 1.25 करोड़ रुपए एकड़ का रेट है, तो आपको कौन दे देगा 1 करोड़ रुपए। अगर आपने लैंड ली 25 लाख रुपए एकड़ की पसंद की, 30 लाख रुपए एकड़ की पसंद की, तो हम आपको उसको कन्वर्जन करके कंप्लीट करके एक प्रोजेक्ट एक पर एकड़ हम बना के देंगे आपको कंप्लीट, ठीक है। इंडस्ट्री जो करा कर एक एकड़ में 1.25 बीघे होते हैं अप्रोक्सीमेटली ना, हाँ तो उनका जो बजट है वो 5 से 10 लाख रुपए का बजट है पर बीघा। अच्छा 5 से 10 लाख रुपए पर बीघे का बजट तो ठीक है फिर। हाँ तो दे कैन गो फॉर अ कॉस्टलियर लैंड ऑल्सो। नहीं नहीं 5 से 10 लाख रुपए पर बीघा तो ये लाइसेंस या इनका बीघा का, ये बीए का रेट सोच के चल रहे हैं कि अगर जैसे मुझे शायद अब्बास जी ने बताया था कि वहाँ पे जो मिलेगी पंतनगर के पास की जगह बता रहे थे 25 लाख रुपए एकड़ में आपको लैंड दिखा दूंगी। हाँ 50 लाख रुपए एकड़ में दिखा दूंगी, बिस्तर भी दिखा दूंगी, वो आप सर्वे कर लेना पहले मार्केट, ठीक है जो आपको लोकेशन बताना उसके बाद, ठीक है परफेक्ट। अच्छा मैम ये मेरा ये PIL वाला काम आप करा दो इमीडिएटली, तो इसका जो भी है वो हम आपको आप चेक के थ्रू लेंगे या चेक? अच्छा वो बार बार, ठीक है। तो ठीक है हमारा काम, हाँ बताइए आप लोग मैंने कहा कि मुलाकात मिलवा दो, हमारे घर जैसे हैं लोग गार्जियन है मेरे। अच्छा हम इन लोग ऐसे नहीं मिलाते इनको कोई काम नहीं। अच्छा नहीं नहीं बिल्कुल सर बिल्कुल आई अंडरस्टैंड। वैसे भी सर आपकी वही मैं कह रहा हूँ आपकी पोजीशन भी ऐसी है ना सर कि मतलब एनीबॉडी कैन एक्चुअली मिस यूज योर पोजीशन। ठीक है मैम चलिए फिर हम उधर 15 मिनट जस्ट कैसे चेक की।